नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और इसके अलावा सख्त पाबंदी देखी जा रही है। और ऐसा नहीं कि दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ही अस्पतालों की बदहाली सामने आ रही हो, बिहार से भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने हम सभी को शर्मसार किया। हॉस्पिटल्स में वही सब चीजें देखने को मिल रही हैं जो बाकी के राज्यों के अस्पतालों में देखने को मिल रही हैं। नीतीश सरकार पर सवाल तो उठ रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और इन सब के बीच पप्पू यादव ने एक ऐसा वीडियो साझा कर दिया है, मतलब कि एक ऐसी पोल उन्होंने खोल कर रख दी है सरकार की, जिसको लेकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। दरअसल एक वीडियो है सोशल मीडिया पर जो तेजी से वायरल हो रहा है, इसको मनोरंजन भारती ने साझा किया है और उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा है, बिहार के सारण में इतनी एम्बुलेंस एक जगह पर पाई गई है, पप्पू यादव ने मीडिया को ये सब दिखाया है, इतनी एम्बुलेंस यहाँ क्यों है, वो भी तब जब अस्पताल के पास एम्बुलेंस नहीं है, ये जांच का विषय है। और इसके साथ मनोरंजन भारती ने नीतीश कुमार को टैग किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत सारी एम्बुलेंस एक जगह पर खड़ी हुई हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस ना पहुंचने की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं और इतनी तादाद में ये एम्बुलेंस यहाँ पर क्या कर रही है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और साथ ही साथ पप्पू यादव का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर तमाम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। खैर, आप बताइए इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं और साथ ही साथ ये जो नज़ारा आपने देखा इस पर आपकी क्या राय है? तीन एम्बुलेंस वहाँ पर लगा दिया गया से 22,000 रुपया लेता वीडियो बनाइएगा तो निकास ला हम।